लीनियर फंक्शन से मुराद ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो हमेशा 1-2 पावर नहीं हो सकती, यानी कि ग्रेटर देन 1 पावर अगर होगी तो वो लीनियर फंक्शन नहीं होगा, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में दिया गया है f(x = 3x + 6, इसमें आप एक्सपोनेंट की पावर देखें 1 है। इसका मतलब है जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बारे में आप डिटेल से प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस में, इसलिए अगर आपको इसके सिलसिले में मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए या मज़ीद देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेसन में लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक को रिव्यू करें। यहाँ पर हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं fx, ये फंक्शन की स्टैंडर्ड निशानी है कि ये x का फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन है 3x + 6। अभी जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सिंबल इस्तेमाल होते थे फंक्शन के, यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए ये सिंबल होता है ये इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ये वेरिएबल है और इसकी डेफिनेशन आगे दी होती है, जैसे कि ये है 3x + 6, यानी कि x की जगह पर जो भी नंबर आएगा उसको आप इस जगह इंसर्ट करेंगे, x की जगह रिप्लेस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है f(2). अब आपने क्या किया है कि x की जगह 2 आ गया तो इसकी डेफिनेशन में भी x की जगह 2 ले आए, तो ये हो जाएगा 6 + 6 = 12। ये आपने इस फंक्शन को वैल्यूएट किया है जबकि x = 2 है। इसी तरह से बाद हम fx की जगह y लिख लेते हैं तो वो भी यही कुछ होगा। मसलन इसी फंक्शन को हम इस तरह लिख लेते हैं y = 3x + 6। अब आपने बताना है इसकी वैल्यू एट x = 2, तो y की वैल्यू एट x = 2 क्या होगी, आपने x की जगह पर 2 रख दिया तो ये वही 6 + 6 = 12, इसकी वैल्यू आ गई। आप इस तरह रिप्रेजेंट कर लें, इस तरह कर लें, एक ही बात है, हत्ता के जो अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर लें। मसलन इसी फंक्शन को मैं यूं भी लिख सकता हूं, या इसी फंक्शन को इस तरह लिख लें आप, एक ही बात है। अब यहां पर आपने बताना है f(2), तो अब x की जगह पर 2 आ जाएगा, तो अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह डिफाइन कर लूँ कि ये सिंबल है, इसके बाद x है और ये इक्वल है 3x + 6, तो अगर x की जगह 2 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 × 2 + 6 = 12। तो एक्चुअली ये सारी नोटेशंस हैं, ये और ये, इसमें जब हम fx की फॉर्म में लिखते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू इधर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे x की जगह 2 आ गया इसमें। यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि @x = 2, यहाँ पर डायरेक्टली x की जगह वैल्यू बताई जाती है, जैसे कि ये है। तो तीनों ही फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं ये, बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये नोटेशन है, नोटेशन कोई भी हो सकती है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शंस में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कि किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में ले आप, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शन होता है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इससे जो कुछ बनेगा वो एक पैराबोला होगा, यानी कि इसका ग्राफ पैराबोला होगा। जैसे जब x की पावर 1 होती है तो लीनियर फंक्शन होता है और उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर x की पावर 2 आ जाए किसी इक्वेशन में, किसी फंक्शन में, तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। पैराबोला इस शक्ल को कहते हैं, इस तरह या इस तरह, नीचे की तरफ भी ये मूव कर सकता है, ऊपर की तरफ, और ये बाज़ूकात एक्सिस को टच करता है, बाज़ूकात जरूरी नहीं, बाज़ूकात ये यहाँ से भी टच कर सकता है, इस तरह से जा सकता है। फिर ये रिप्लेस करें तो ये भी हो सकता है कि ये यूं हो। तो किसी भी शक्ल में अगर ये अम्ब्रेला टाइप जो शेप बनती है ये जब होगी तो ये
क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें अब आप देखें कि ये इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन या पैराबोला की इक्वेशन। अब इसमें कोफिशिएंट्स है ए बी और सी, अब इसमें से कोई भी जीरो भी हो सकता है। बी अगर जीरो होगा तो देखें सिंप्लीफाइड इक्वेशन, बी और सी को जीरो कर दें तो सिंपल आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और अगर ए को वन कर दें तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये भी पैराबोला है, यानी कि इन तीनों फैक्टर्स में से, यानी कि इन तीनों कोफिशिएंट्स में से बी और सी जीरो हो सकते हैं, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी जीरो। उसकी वजह यह है कि जैसे ही ये जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा। लेकिन बी और सी दोनों जीरो हो सकते हैं, ए को वन किया जा सकता है, टू किया जा सकता है, एक्सेप्ट जीरो। ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। तो अब इस फंक्शन में देखेंगे अगर ये जो कोफिशिएंट है ये ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो यानी कि ये पॉजिटिव हो, तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड बनेगा, यानी कि उसकी जो शेप होगी वो इस तरह से होगी, जो कि इसमें डायग्राम में भी दिखाई गई है कि ऊपर की तरफ ये खुलेगा। और जब ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई मिनिमम पॉइंट भी होगा, जैसे इस ग्राफ में ये इसका मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो जब पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है तो उसका कोई मिनिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट कोई नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट ऊपर तक जा सकते हैं। यानी कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पॉजिटिव है, ये वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, 1.1 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो जो पॉजिटिव है, तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा छतरी की तरह से और इसका मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो पैराबोला इस शेप में आएगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा, इसकी अम्ब्रेला की शेप नीचे की तरफ होगी। अब इस केस में इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा क्योंकि ये ऊपर है, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, और मिनिमम पॉइंट कोई नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट नीचे की तरफ जा रहा है। और जो इसके मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट है उनको वर्टेक्स कहते हैं, यानी कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वो मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, दोनों केसेस। अब देखें एक जस्ट एक एग्जांपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कौन सा खुलेगा, यानी कि कौन सा पैराबोला इस तरह से होगा जो नीचे की तरफ खुल। तो नीचे की तरफ खुलने के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये थी, इसमें ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ खुलेगा, अगर ये पॉजिटिव होती तो ये ऊपर की तरफ इस तरह होगा। तो हमने क्या बताना है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए ए की वैल्यू नेगेटिव होना जरूरी है। तो इसमें आप देखें कि सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए की नेगेटिव वैल्यू है, इसमें ए इज इक्वल टू माइनस थ्री है, इसलिए सी ऑप्शन में जो पैराबोला दिया गया है ये डाउनवर्ड होगा, बाकी सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर वन है, ये भी पॉजिटिव, ये 13 पॉजिटिव, तो ये सारे अपवर्ड हैं, ए बी डी ई, और सी सिर्फ डाउनवर्ड है क्योंकि इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव। फिर आते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इक्वेशन को आप जहन में रखें, ये पैराबोला की इक्वेशन या इसका फंक्शन इस तरह से है। अब हमने बताना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्या मुराद है कि जो इसमें आप देखेंगे डायग्राम में रेड लाइन जो नजर आ रही है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके दोनों तरफ जो शेप ब्लू में है वो बिल्कुल एक जैसी है, जैसे कि आप कहें कि एक साइड पर अगर ये शेप है और यहाँ पर आप मिरर रख दें, यहाँ पर आप आईना रख देते हैं, तो इस तरह से इसकी शक्ल दूसरे साइड पर ऐसे नजर आएगी, यानी कि दोनों साइड पे बिल्कुल एक जैसी शेप हो, और यानी कि वो लाइन जिसके दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी शेप आ जाए उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैराबोला चूंकि रेगुलर शेप है और इसकी बाकायदा इस तरह से शेप बनती है, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट से गुजरेगी, और इसके दोनों इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये जो पैराबोला है इसकी जो जो शेप इस दोनों तरफ है इस लाइन के वो बिल्कुल एक जैसी है। तो ये जो मिड लाइन है दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये
इसकी इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए, बी ओवर टू ए, बी यहां से लिया आपने माइनस बी और ए ये है, यानी कि जस्ट कॉफिशियंट से हम इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, x इज ऑफ सिमेट्री। फिर आते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स से मुराद मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है तो मिनिमम पॉइंट, अगर पैराबोला डाउनवर्ड खुल रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट ये, और मिनिमम में ये पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये तो है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है, अब हमने कोऑर्डिनेट बताने। तो इसके लिए ये जो वर्टेक्स के की इक्वेशन थी उसमें माइनस बी ओवर टू ए, आप इसका एक्स एक्सिस तो यही ले ले क्योंकि यहाँ पर एक्स पर इसने टच करना है। जाहिर है जब सिमेट्री निकलती है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम लाइन से गुजरेगा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट से पास करेगा, तो इसका मतलब है यही पॉइंट है एक्स, तो हम कहते हैं माइनस बी ओवर टू ए, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए आप ये करेंगे कि इस एक्स को इस इक्वेशन में, यानी कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें x की जगह पर ये वैल्यू, यानी कि ये जो मैंने वैल्यू लिखी है माइनस बी ओवर टू ए, एक्स की जगह पर पुट कर दें, जो आंसर आएगा वो y के कोऑर्डिनेट ये आ जाए, तो इसीलिए इसे लिखा गया है f ऑफ माइनस बी ओवर टू ए, यानी कि ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन था ये, इसमें x की वैल्यू आपने ये वाली रख दें, जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी, यानी कि आप यूं कह लें। अभी ये एग्जांपल हम करते हैं तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाए। फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है फंक्शन का, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए, तो जो इक्वेशन है इसमें देखें 4b है तो माइनस 4 और 2a 2 इंटू 3, ये a है और ये b है, तो ये हो गया माइनस 4 ओवर 6 माइनस 2 ओवर 3, तो जो के आपको ऑप्शन a में दिया, ये आपने मालूम किया है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला आपको क्या दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32, तो इसमें x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस बी ओवर टू ए, और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, होंगे f ऑफ माइनस बी ओवर टू ए, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस बी ऑलरेडी माइनस 18 है तो माइनस माइनस 18 ओवर टू ए की वैल्यू है इसमें 3, अब पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें, 18 ओवर 6 इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 3 है। अब y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, यानी कि f ऑफ 3 ले लें तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फंक्शन आपको ये दिया गया है इसमें x की वैल्यू 3 रखें जो ये आई, तो आपके पास y इज इक्वल टू 3, x की जगह पर 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 18, x की जगह पर 3 आ गया प्लस 32, तो इसे सिंप्लीफाई करें, ये 9 9 3 27 54 प्लस 32, ये इक्वल होता है माइनस 54 में से 27 का 27 माइनस का 32 में से 27 लेस कर ये 5, तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया और f of 3 जो y के इक्वल है वो आ रहा है आपके पास 5, तो इसका आंसर ये हो 3, 5 जो के ऑप्शन सी में दिया।
लेकिन इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने कोऑर्डिनेट बता रहे थे वर्टेक्स, वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से निकल आएगा माइनस बी ओवर टू ए, फिर जो इसकी वैल्यू आएगी वो इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह आप रिप्लेस कर, जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ एक्स होगा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास 3 आ गया, क्योंकि बी इसमें था माइनस 18, माइनस माइनस 18 ओवर 2a, तो a की वैल्यू 3 थी, तो 2 इंटू 3 ये बनता है 3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 3 आ। अब जो ये 3 आया है ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, अब एफ ऑफ 3 बताना है, यानी कि y निकालने के लिए आप x की जगह पे 3 रख दें इस पूरी इक्वेशन में। आपने पूरी इक्वेशन में x की जगह 3 रखा तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 5, तो वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट हैं 3, 5। द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, जब हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए फंक्शन, यानी कि उसमें वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी होती है, कब, जब आपको फॉर एग्जांपल ये आपको एक छोटा सा मैं फंक्शन देता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² + 3x + 6, अगर आपने इसका सॉल्यूशन लेना है तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप इक्वेशन बना, 5x² + 3x + 6 = 0, ये जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन होगा, फंक्शन का की वैल्यूज आ जाएंगे। तो जब हम कहते हैं किसी फंक्शन का सॉल्यूशन तो उसमें जो एक्सप्रेशन दिया होता है राइट साइड पर उसको आप इक्वल टू जीरो करें, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करके जो वैल्यूज आप मालूम करेंगे वो उस फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रीवियस सेक्शन में अलजेब्रा के सेक्शन में उसके लेसन में हम डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसके 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो वहाँ से आप लेसन लें तो इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे। अगर आपने इसको डिटेल में स्टडी करना है कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसके लिए आप प्रीवियस अलजेब्रा के लेसन में जाएं और वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखें। इसी तरह से अगर हम कहेंगे रूट्स और जीरो ऑफ द पैराबोला, वो भी यही है कि रूट्स का मतलब भी सॉल्यूशन मालूम करना है कि इसकी एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, और अगर जीरोज कहते हैं वो भी उसका मतलब भी यही है कि इसके एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आपको दिया गया, इसको अगर हम सॉल्व करें, मैं इस साइड पर सॉल्व कर देता हूँ इसे, x² + 5x + 6 = 0, तो आप देखेंगे मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, 3x + 2x + 6 = 0, ये मैंने फैक्टराइज किया, 5 के 2 पार्ट्स 3 एंड 2 कर लिए, यहाँ से x कॉमन आ गया, x + 3 + 2 कॉमन आ गया, x + 3 = 0, यहाँ से x + 3 and x + 2 = 0, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आती है -3 और -2, क्योंकि आपने इसको क्या करना है कि x + 3 = 0, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई x = -3, फिर ये जो सेकंड पार्ट है इसको 0 के इक्वल करें तो x = -, ये दो जो आंसर आए हैं ये इसके रूट्स हैं, ये इसके जीरोज हैं, या इसका सॉल्यूशन है। तो किसी भी तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो उसका सॉल्यूशन है। टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए पैराबोला, तो इसका बड़ा आसान तरीका है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि पैराबोला वाई एक्सिस को किस जगह टच करता है, उसके एक्सिस बताने, वाई इंटरसेप्ट बताना है तो उसके कोऑर्डिनेट बताने आपने कि किस पॉइंट पर वाई एक्सिस को पैराबोला टच करेगा। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि उसमें आप एक्स की वैल्यू इक्वेशन में जीरो डाल, जब एक्स जीरो होगा तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो अब आप देखें कि ये इक्वेशन दी गई है x² + 5x + 6, तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दें तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ ये
तो ये जो पॉइंट है व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो हम कहेंगे कि दिस इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द पैराबोला। इफ द पैराबोला, ये भी नोट करने वाली बात है कि इफ अ पैराबोला हैज टू एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि जब वाई जीरो होगा, एक्स एक्सिस को टच करे जब वाई जीरो होगा, जाहिर है जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई ने तो जीरो होना है। देन द एक्स इंटरसेप्ट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, दोनों पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इक्विडिस्टेंस यानी कि इक्वल फासले पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लेते हैं कि दिस इज पैराबोला, अब जाहिर है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है और हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो आप देखें कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो एक्स इंटरसेप्ट ये है, एक्स इंटरसेप्ट ये है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा यानी कि एक्सिस से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ फासला इक्वल हो। अच्छा, अब मजीद देखें कि फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द फंक्शन ऑफ पैराबोला, इसको फैक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसकी इक्वेशन बनती है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ये इसकी फैक्टर फॉर्म है। यानी कि अगर हम कहें कि ये फंक्शन हमारे पास है, अभी मैंने इसे सॉल्व किया था, तो इसके फैक्टर ये आते हैं। अब इसमें आप देखें कि ये इसी फॉर्म के अंदर है, यानी कि अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और इस तरह से ये जो हमारे पास आए हैं इसमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू सी, ये दोनों x इंटरसेप्ट आ जाएंगे आपके पास, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों इक्वल होंगे x इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू सी पर। अब हम टोटल पैराबोला की समरी लेते हैं, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अब इसमें देखें कि a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू वन क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, तो पैराबोला क्या होगा अपवर्ड और वर्टेक्स क्या होगा मिनिमम, और उसकी वैल्यूज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, माइनस बी ओवर टू ए कैलकुलेट करें, माइनस माइनस टू क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर माइनस टू है, ओवर टू ए, ए की वैल्यू वन है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसकी फैक्टर्ड फॉर्म क्या होगी, आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर में से आप एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस थ्री प्लस वन कॉमन ले लें तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने इक्वेशन बनाई थी एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस थ्री, ये इसके फैक्टर बन गए, तो फैक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, ये इसको हमने ज़ीरो के इक्वल किया था, लेकिन हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों एक्स इंटरसेप्ट क्या होंगे, इसमें से एक्स प्लस वन को इक्वल टू ज़ीरो करें तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया, दूसरे से एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये दूसरा एक्स इंटरसेप्ट आ गया, विच आर इक्वी डिस्टेंस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। फिर कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स, जाहिर है एक्स तो हमारे पास पहले ही वन आ चुका है, अब इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को कह लें
ये वही फॉर्म है जो यहाँ से लिए हमने, इसमें एक्स की जगह वन रखें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स की जगह वन रखें तो वन स्क्वायर माइनस माइनस थ्री, तो वन माइनस टू माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू माइनस फोर, तो वाई हमारे पास आ गया माइनस फोर। तो ये इसके कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अब जरा डायग्राम को देखें, ये आपके पास पैराबोला की शेप है जो इस इक्वेशन के मुताबिक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका फेस ऊपर की तरफ है, ये अपवर्ड है क्योंकि ए इज इक्वल टू वन था जो कि ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए ये ऊपर की तरफ है। फिर दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स में हमने पॉइंट कौन से कैलकुलेट किए थे, वन एंड माइनस फोर, तो वर्टेक्स के पॉइंट वन एंड माइनस फोर यहाँ पर आएंगे। एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट है एक, और दूसरा ये है, और आप ये देखेंगे इस पॉइंट से ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इधर और इधर, ये टू टू के डिफरेंस के ऊपर है, ये टू टू के डिस्टेंस पर है फ्रॉम दी वाई एक्सिस, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड पर एक जैसी शेप है। अब हम इस फंक्शन को देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसमें a की वैल्यू माइनस वन है जो कि लेस देन जीरो है, इसलिए पैराबोला डाउनवर्ड होगा, जब डाउनवर्ड होगा तो इसका वर्टेक्स मैक्सिमम पॉइंट होगा जो कि यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, माइनस बी ओवर टू ए, तो ये माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन, माइनस बी ओवर टू ए, ए भी माइनस वन है, इसलिए इसका आंसर आता है माइनस वन बाई टू, ये आपके पास आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर इसके फैक्टर फॉर्म, आप इस इक्वेशन के फैक्टर फॉर्म को लेकर आए तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स, इसको आप जीरो के इक्वल पुट कर दें, यहाँ से माइनस वन कॉमन लें, तो ये हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस वन, अब इसके फैक्टर बनाएं तो ये फैक्टर बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से माइनस वन। अब आप यहाँ से कॉमन लें x, और ये आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस थ्री और x माइनस टू इज इक्वल टू, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, तो इसकी फैक्टर फॉर्म कौन सी होगी, ये इस फंक्शन की फैक्टर्ड फॉर्म है। अब इससे x इंटरसेप्ट क्या होंगे, आप x इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो करें तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये एक इंटरसेप्ट आ गया। फिर यहाँ से एक्स माइनस टू को जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू टू, ये दूसरा इंटरसेप्ट आ गया, जो कि पहला इंटरसेप्ट ये है, दूसरा इंटरसेप्ट ये है। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स माइनस बी ओवर टू ए, तो ये एक्स आ गया, और इसको जब आपने इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स, इस ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह माइनस वन बाई टू रखेंगे तो आपके पास 25 बाई फोर आ जाएगा, जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ दी वर्टेक्स होंगे, जो कि ये वर्टेक्स है, इसके ये कोऑर्डिनेट आते हैं माइनस वन बाई टू एंड 25 बाई फोर। डॉटेड लाइन इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्स इंटरसेप्ट ये दोनों हैं, और ये इस डॉटेड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस के अलावा। आपको इक्वेशन दी गई है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके लिए ये फंक्शन दिया गया आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस वाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें
ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स केयर, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स केयर माइनस टू, और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स केयर प्लस टू। अब यहां देखें कि ए की वैल्यू है आपके पास माइनस वन, बी की वैल्यू है जीरो और सी की वैल्यू है टू। तो अब हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है जो कि होता है माइनस बी ओवर टू ए। तो माइनस बी इसका मतलब है जीरो, क्योंकि बी की वैल्यू इसमें इक्वेशन में एक्स की वैल्यू है ही नहीं। स्टैंडर्ड पैराबोलिक फंक्शन होता है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखें इस इक्वेशन में ये जो आपको दी गई है इसमें एक्स नहीं है, इसका मतलब है बी इज इक्वल टू जीरो है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन होती है माइनस बी ओवर टू ए, तो इसका मतलब है एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि बी जीरो है। तो इसका आंसर हुआ ए, ऑप्शन ए, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इस एग्जांपल में फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव। अब इसमें हमने बताना क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो के इक्वल होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए। अब बी इसमें है माइनस सिक्स, तो ये आ गया माइनस सिक्स ओवर टू ए इज इक्वल टू वन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, ये हो गया थ्री, सिक्स ओवर टू इज इक्वल टू थ्री, यानी कि एक्स इज इक्वल टू थ्री इज द इक्वेशन ऑफ द सिमेट्री ऑफ दिस पैराबोला, एक्स इज इक्वल टू थ्री, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, जबकि वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व। अब ए की वैल्यू क्या है थ्री, बी की वैल्यू ट्वेल्व, सी की वैल्यू माइनस। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वो होता है माइनस बी ओवर टू ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ट्वेल्व ओवर टू इंटू थ्री, ए की वैल्यू थ्री है तो ये हो जाएगा माइनस टू। अब आपके पास एक्स की वैल्यू माइनस टू आ चुकी है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट है, ये इक्वेशन नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास माइनस टू। अब वाई कैलकुलेट करना है तो एक्स इज इक्वल टू टू इसमें डाल, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व इंटू माइनस टू माइनस ट्वेल्व, ये हो गया थ्री इंटू फोर माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व, तो ये हो गया ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व, ये इससे ख़त्म, तो आंसर है माइनस ट्वेंटी फोर। तो ये वाई वाई कोऑर्डिनेट आ गए जो कि माइनस ट्वेंटी फोर है। तो हमने बताना था वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तो माइनस टू माइनस ट्वेंटी फोर जो कि ऑप्शन सी में थे।